लोग अपने शौक और अपने रुतबे को दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। हालांकि कई बार बड़ी गाड़ियां, महंगे घर और अमीरी भौकाल दिखाने के चक्कर में लोग नब भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आजकल कोई किसी की नहीं सुनता। मध्य प्रदेश के मुरैना से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां अपना रसूख दिखाने के चक्कर में चार पहिया गाड़ी के मालिक पर 16,000 का जुर्माना लग गया। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बीते दिन सिटी कोतवाली थाना इलाके में हनुमान चौराहे के पास सड़क पर पुलिस ने एक थार गाड़ी को देखा तो पुलिस एकदम से हैरान रह गई, क्योंकि जो थार गाड़ी थी वो चारों ओर से मॉडिफाइड थी और इस गाड़ी पर कई तरह के स्लोगन लिखे हुए थे, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। कार पर लिखा था, कैबिनेट मंत्री, मेला लगेगा तो आएगा गुज्जर, हम सुधर गए तो कौन कहेगा हमें गुज्जर, और अन्य कई प्रकार के स्लोगन यातायात एवं परिवहन विभाग के मानकों के अनुरूप नहीं थे। ये थार गाड़ी पंजाब राज्य आरटीओ के पास थी और पूरी तरह से नियमों के विपरीत मॉडिफाइड की गई थी। वही इस थार गाड़ी को एक नाबालिग चला रहा था, जिसके पास नियम अनुसार गाड़ी के कोई कागजात भी नहीं थे, जिसके चलते यातायात पुलिस द्वारा इस गाड़ी पर 16,000 रुपए का चालान किया गया, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। थार पर लिखे स्लोगन, मेला लगेगा तो आएगा गुज्जर, हम सुधर गए तो कौन कहेगा हमें गुज्जर, कैबिनेट मंत्री, टीम ASK बॉस, भाजपा के निशान कमल के फूल के साथ कंसाना। इस मामले को लेकर पुलिस ने क्या कुछ कहा है जरा वो सुनिए। हम लोग संयुक्त वाहन चेकिंग का अभियान यातायात के साथ में था, हनुमान चौराहे पर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी दिखाई दी, जिसको रोका गया, जिसमें क्या एक नाबालिग वाहन चलाते हुए देखा, उसके दस्तावेज चेक किए, दस्तावेज उस समय मौके पर उपलब्ध नहीं थे और गाड़ी को मॉडिफाइड किया गया था, जो कि विशेष मैक के आधार पर अलग मैक बना दी गई थी और उस पर स्लोगन वगैरह भी कई लगे हुए थे, जिसके संबंध में हमने मोटर व्हीकल एक्ट के धाराओं के समुचित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है और माननीय न्यायालय में जो भी जुर्माना होगा वो उसके लिए भेजा जाएगा। इस खबर पर आपके क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दें, खबर मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने भेजी है। हम लोग संयुक्त वाहन चेकिंग का अभियान यातायात के साथ में था, हनुमान चौराहे पर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी दिखाई दी, जिसको रोका गया, जिसमें क्या एक नाबालिग वाहन चलाते हुए देखा, उसके दस्तावेज चेक किए, दस्तावेज उस समय मौके पर उपलब्ध नहीं थे और गाड़ी को मॉडिफाइड किया गया था, जो कि विशेष मैक के आधार पर अलग मैक बना दी गई थी और उस पर स्लोगन वगैरह भी कई लगे हुए थे, जिसके संबंध में हमने मोटर व्हीकल एक्ट के धाराओं के समुचित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है और माननीय न्यायालय में जो भी जुर्माना होगा वो उसके लिए भेजा जा रहा है।